बैचलर किया था, उसके बाद मेरा स्टार्ट से ये था, सारी फैमिली जो है वो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, तो मेरा स्टार्ट से ये था कुछ ना कुछ खुद का किया जाए, बेशक थोड़ा किया जाए, बट उसके लिए मैंने अपनी फैमिली के साथ किया मैंने प्रोटेक्ट। उन्होंने यही बोला कि बच्चे तब तक इन्वेस्टमेंट जो है ना उसका फ़ायदा नहीं है जब तक आपके हाथ में कोई हुनर नहीं है। खैर ये मेरे बाद मेरे भी जहन में आई, मैं घर से निकला हूँ, मुझे तकरीबन 6 साल हो गया मैं इसी फील्ड में, मैं फास्ट फूड, पाकिस्तानी फूड, इटालियन, चाइनीज़ ये मैं सारा कुछ बना लेता हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कुछ ना कुछ और न्यू किया जाए, और ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल एक न्यू थी। तो उसके बाद फिर मैंने ग्लोरिया जैसे ब्रांड जो हैं आपके पाकिस्तान में, सेकंड कप और मसीटा और क्रेमा, इन चार ब्रांड में मैंने काम किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि खुद कुछ ना कुछ किया जाए अपना जो है ना सेटअप। फिर ये जो आइडियाज़ का की जहाँ तक बात है, ये आपके जो बैरून मुल्क हैं बाहर यूरोप मालिक, उनके अंदर जो है ना इस तरह के आइडियाज़ काफ़ी हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम है, यहाँ पे हैं बट यहाँ पे कह लें कि इस तरह की फूड जो प्रॉपर एक ब्रांड में मिलती है वो ऑन रोड के ऊपर आपको जो है ना बहुत कम मिलती होगी। सेंट्रो गाड़ी के अंदर जो है ना मैंने उसकी डिक्की से मैंने स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैंने अपना कॉफ़ी का सेटअप लगाया गुलबर्ग के अंदर, और वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 माह मेरा वो सेटअप हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि आगे इस चीज़ को जब मैंने फर्दर आगे वेल करना था तो उसके लिए मुझे जो है जगह जो है एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़रूरी मैं समझता था कि जगह का आपको पता होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट करना नहीं था जा रहा, तो मतलब एक आप स्टक हो जाते हो, 45 ड्रिंक्स जो हैं इस टाइम अवेलेबल हैं, उसमें हॉट एंड कोल्ड कॉफ़ी, उसके बाद आइसक्रीम शेक्स, फ्रूट चिलर्स, फ्रूट स्मूदीज, बेल्जियन वॉफल्स हैं, ड्राई केक है, मैं लाइव यहाँ पे बेक करता हूँ वो, और उसके बाद और आइस की ड्रिंक्स हैं मेरे पास 45-50% ऑफ पे है, जो हम वहाँ पे जाके 560-540 का लेते हैं वो यहाँ पे हम 300-330 में सेल आउट कर रहा हूँ, और 12 औंस मतलब प्रॉपर जो रेगुलर एक साइज़ होता है सबका। आगे मेरा जो प्लान है वो इसी का है कि इसी को लाहौर के अंदर इंशाल्लाह तकरीबन 3 से 4 सेटअप तो मैं ये जो है ना इस तरह के तैयार करूँगा। अभी मैं एक रोड के ऊपर अगर देखा जाए तो बिग बर्ड काफ़ी, अगर हमारे अपने घरों की बात की जाए तो बिग बर्ड एक जो है ब्रांड है उसको हम यूज़ नहीं करते। अभी यहाँ पर मैं जो है बर्गर्स वगैरह रखने लगा हूँ और उसके अंदर मैं बिग बर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ यहाँ पर, कि ऑन डोर के ऊपर आपको हाई क्वालिटी जो है ना फूड आपको मिलेगा। तो उसके अंदर ये है कि मैं आगे बर्गर्स वगैरह रख रहा हूँ, नगेट्स, फ्राइज वगैरह, ये भी तकरीबन फर्दर 1 वीक तक जो है ना ये भी इसके अंदर मैं स्टार्ट करूँगा साथ। स्पेशलिटी है शेक्स में कुकीज़ एंड क्रीम शेक, और कोल्ड कॉफ़ी के अंदर हमारी मोका काफ़ी जा रही है, मोका कैरामल, देन आगे आ जाएँ जो कॉफ़ी लवर हैं प्रॉपर वो तो फिर कैप्चिनो और लाटे पीते हैं।